एन एपिटाफ। सबसे पहले बता दें एपिटाफ का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति दुनिया को छोड़ देता है यानी मर जाता है तो उसके मृत शरीर को कब्र में दफनाया जाता है। कब्र में दफनाने के बाद उसके कब्र के ऊपर एक शिला लगाया जाता है, एक पत्थर लगाया जाता है और पत्थर के ऊपर कुछ लिखे जाते हैं। तो कब्र के ऊपर पत्थर के ऊपर लिखी गई जो बातें होती हैं उसी को कहा गया है एपिटाफ यानी कब्र लेख। एपिटाफ एन एपिटाफ पोएट वाल्टर डेला मेयर। ये वाल्टर डेला मेयर साहब की एक छोटी सी तस्वीर है और यहाँ पर इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है। बर्न 25 अप्रैल 1873। वाल्टर डेला मेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था। जगह का नाम बताया गया है कार्लटोन, लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल है, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन शहर में ही एक जगह का नाम बताया गया है कार्लटोन, तो कार्लटोन नामक जगह पर ही वाल्टर डेला मेयर का जन्म हुआ था। डाइड 22 जून 1956। इनकी मृत्यु 22 जून 1956 ईस्वी को हुई थी। ही इज नोन फॉर द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। ही इज नोन, उन्हें जाना जाता है फॉर द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया के लिए, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और अलौकिक दुनिया के लिए। यानी वाल्टर डेला मेयर साहब को बच्चों की दुनिया के लिए और अलौकिक दुनिया के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वाल्टर डेला मेयर बच्चों के बारे में कविताएं लिखा करते थे, साथ ही साथ सुपर नेचुरल यानी अलौकिक दुनिया के बारे में भी रचनाएं किया करते थे। अतः वाल्टर डेला मेयर को चिल्ड्रन के लिए और सुपर नेचुरल के लिए जाना जाता है। अवार्ड्स, इन्हें लेखन क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हुए और उन अवार्ड्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये अवार्ड उन्हें 1953 ईस्वी में मिला, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा दिया गया। यानी एलिजाबेथ सेकेंड ने 1953 ईस्वी में वाल्टर डेला मेयर को लेखन क्षेत्र में ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक अवार्ड से सम्मानित किया। और यहाँ पे चैप्टर से संबंधित कुछ ग्लोसरी हैं यानी वर्ड मीनिंग है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एन एपिटाफ, इस कविता में कवि ने एक महिला के बारे में चर्चा किया है जिससे उन्हें प्रेम हुआ और वह महिला बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे एक कब्र में दफना दिया गया। दफनाने के बाद उसके ऊपर एक पत्थर लगाया गया। पत्थर लगाने के बाद उस पर कुछ बातें लिख दी गई और उस कब्र के पास पहुंच करके कवि विलाप करते हैं और उसे याद करते हैं। और अपनी कविता में उन्होंने उस महिला को बहुत खूबसूरत बतलाया है। उसकी खूबसूरती का प्रशंसा करते हुए इन्होंने कहा है कि वह महिला इतनी खूबसूरत थी कि इस पश्चिम की धरती पे शायद ही उतनी खूबसूरत कोई महिला हुई होगी। और इन्होंने कहा है कि कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अतः हमें अपनी खूबसूरती पे कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए। सर ठीक ही बोलते हैं, जो बनती है आलिया उसको मिलता है कालिया। चलिए कविता पे आते हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है। हियर मीन्स यहाँ मीन्स उस कब्र के अंदर। लाइज लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मोस्ट आपने डिग्री में पढ़ा होगा, मच मोर मोस्ट, मोस्ट मन से होता है बहुत अधिक, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, लेडी मीन्स महिला। यहाँ यानी इस कब्र में एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी,
यहाँ पे ये वर्ड आया हुआ लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। इस वर्ड का मतलब हुआ इधर उधर विचरण करना, स्वतंत्र रूप से जहाँ मर्जी वहाँ जाना, यानी स्वच्छंद विचरण करना। तो वह स्वच्छंद विचरण करने वाली थी वह महिला, बिना किसी के रोक टोक के जहाँ मर्जी वहाँ जाने वाली थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। आई थिंक मेरा मानना है, मेरा नहीं, आई मतलब मैं नहीं, आई मतलब कभी अपने लिए लगाए हैं, आई मतलब यह कवि का मानना है, कवि का यह विचार है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, मेरा यह मानना है कि वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वह इतनी खूबसूरत थी कि शायद ही इस पश्चिम की धरती पे उतनी खूबसूरत कोई महिला हुई होगी। कभी उस महिला की प्रशंसा करते हैं जिससे उन्हें प्रेम था, उस महिला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह महिला इतनी खूबसूरत थी कि इस पश्चिम की धरती पे उतनी खूबसूरत शायद ही कोई महिला हुई होगी। बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन वह सुंदरता खत्म हो गई। ब्यूटी पासेज, वह सुंदरता पास कर गई, मतलब एक दिन वह सुंदरता खत्म हो गई। कब? जब वह महिला मर गई तब। हाउ एवर रेयर, रेयर एट बी, वह कितनी दुर्लभ थी, मतलब वह महिला जो बहुत सुंदर थी वह दुर्लभ थी, लेकिन दुर्लभ होते हुए भी एक दिन उसकी सुंदरता गायब हो गई। And when I crumble, who will remember this lady of the west country? कभी इस लाइन में कहते हैं कि and when I crumble, crumble means होता है टुकड़ों में बट जाना, खंडित हो जाना, यानी मृत्यु को प्राप्त कर लेना। and when I crumble, जब मैं मर जाऊँगा, I means मैं means कभी अपने लिए कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा, who will remember, उसे कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम की इस खूबसूरत महिला को मेरे मर जाने के बाद कौन याद करेगा। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि खूबसूरती का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का वैल्यू है। मतलब हमें अपनी खूबसूरती पे गुमान नहीं करना चाहिए, बल्कि गुमान करना चाहिए तो हमें अपने द्वारा किए गए कर्मों पे गुमान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खूबसूरती एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, बचेगा क्या, तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही यहाँ पर बच जाएंगे और लोग उन्हें ही याद कर पाएंगे। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।